अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। ओपन पेज नंबर 22, एक्सरसाइज 2A। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ए पार्ट में देखें, 6, 2, 3, 4 इज़ डिविजिबल बाय। अब आपने बताना है कि ये नंबर किस नंबर पे डिविजिबल होता है, तो ये 2 और 3 ये दोनों पर डिविजिबल होता है। बी पार्ट में देखें, 4, 6, 0, 0 इज़ डिविजिबल बाय डैश। अब देखें इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो अब इसके यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये किस पे डिविजिबल होगा, 2, 5 और 10। सी पार्ट में देखें, 5, 25 इज़ डिविजिबल बाय 5 और 3। डी पार्ट में देखें, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 5 और 0। जो नंबर है वो 5 पे डिवाइड तब होगा अगर उसका यूनिट प्लेस, जो उसका लास्ट वाला डिजिट है, वो या 5 हो या फिर 0 हो। ई पार्ट में देखें, 5 × 3 इज़ डिविजिबल बाय। अब देखें 5 × 3 का क्या होता है, 15। अब वो कह रहे हैं कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 15। 15 इज़ डिविजिबल बाय 5 और 3। 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी आता है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब वो उन्होंने यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं और आप वो कह रहे हैं कि बताएं कि इनमें से कौन से नंबर 2 पर डिविजिबल हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। उसके बाद आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लिखनी है। अब फर्स्ट रूल है जो इसका, ये अब फर्स्ट रूल मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट रूल यूज़ हो रहा है। एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। वो कह रहे हैं कि जो कोई भी ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यूनिट प्लेस मतलब उसका लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर इनमें से कोई उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर हुआ तो वो 2 पे डिविजिबल होगा। आपने ये नंबर याद रखनी है। उसके अलावा वो कह रहे हैं, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर आप कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। वो कहती हैं ये जितने भी इवन नंबर हैं ये सारे 2 पे डिविजिबल हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ वो नंबर लिखे हैं जो 2 पे डिविजिबल हैं आपके क्वेश्चन में से। ए पार्ट में देखें, जैसे 200, अब इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0, तो 0 अगर होगा तो वो 2 पे डिविजिबल होगा। बी पार्ट में क्या है, 6 भी है तो 6 है लास्ट में, तो ये भी डिविजिबल होगा। 134, 4 है लास्ट पे, ये भी 2 पे डिविजिबल होगा। और 2032, 2 लास्ट पे है तो ये भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा जितने भी इस क्वेश्चन में नंबर्स हैं वो 2 पे डिविजिबल नहीं हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 200, 126, 134 और 2032 आर डिविजिबल बाय 2। अब आपने लिखना है यहाँ पे 200, 126, 134 और 2032 आर डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 पे डिविजिबल हैं। आज का हमारा यही लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने ये होमवर्क करना है और नेक्स्ट डे मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।